शांति। आज की तारीख है 31/8/19 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक, हम जानते हैं कि स्मृति और विस्मृति का खेल है और इस खेल में विस्मृत कराती है माया और स्मृति दिलाते हैं बाबा। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा संगम पर आकर हम बच्चों को क्या शिक्षाएं देते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा शिक्षा देते हुए कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियां दिलाई हैं उसका सिमरन करो तो सदा हर्षित रहेंगे। प्रश्न है, सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है? किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे? उत्तर है, सदा हल्का रहने के लिए इस जन्म में, ध्यान से सुने सभी, और पालन न किया हो तो पालन अवश्य करें। तो सदा हल्का रहने के लिए इस जन्म में जो जो पाप किए हैं वो सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो, बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं उसके लिए याद की यात्रा में रहो। याद से ही पाप कटेंगे, फिर खुशी भी रहेंगी। बाप की याद से आत्मा सत्वप्रधान बन जाएंगी। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु, नंबर एक है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ, स्मृति में रख, दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। ज्ञान अंजन देकर ज्ञान अंधेरे को दूर करना है। नंबर दो, ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है। शरीर सहित सब खलास हो जाना है, इसीलिए इससे पहले ही जीते जी मरना है ताकि अंत समय में कुछ भी याद न आए। वरदान सतगुरु बाप दादा का, अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण और वैभवों के द्वारा अल्पकाल की प्राप्तियां होने के कारण आत्माएं कोई न कोई चिंता में परेशान है। आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आज विश्व को आप जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप विश्व को अति प्रिय हो। स्लोगन है, आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रत्न समान मूल्यवान हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.